चलो जीटीए ही खेल लेते भाई। मतलब सबसे पहली जीटीए कब की आई है? रॉकस्टार गेम्स 1997। हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपको पता ही है अपने चैनल पे मैं गेमिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, अनबॉक्सिंग भी डालता रहता हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने निंटेंडो स्विच ओलेड वाले वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करी थी, इसके अलावा अपनी ओकुलस क्वेस्ट 2 द फ्यूचर ऑफ गेमिंग, इसकी भी अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। अगर इस वीडियो में भाई 20,000 लाइक हो जाते हैं ना तो इसकी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, वरना डिले हो सकता है थोड़ा सा। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी प्लेस्टेशन 1 की। जी हाँ, ये सोनी की तरफ से आने वाला ऑफिशियल प्लेस्टेशन 1 है, और वो भी पूरा पेटी पैक। आप देख सकते हो यहाँ पर सील तक लगी हुई है, अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो इसका क्या फंडा है वो सब बात करेंगे, प्लस में अनबॉक्सिंग होगी, गेम प्ले होगा, देखेंगे कैसे कैसे मस्त मस्त चीज़ें सोनी ने ऐड कर दी है PS1 में अपनी। बाकी भाई नए हो चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ मैं, बहुत क्लोज है 1 मिलियन के। आई नो आप लोग जल्दी करवा दोगे और हमारा एक और तड़कता भड़कता गेमिंग, नहीं गेमिंग कह रहा हूँ, गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा। तो जो सोनी की तरफ से ऑफिशियल सोनी प्लेस्टेशन 1 आया था ना, वो आया था 1 जनवरी 1994 में, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ था। और उसके देख लो आप कितने साल बाद दिसंबर 2018 में सोनी ने वापस से अपने प्लेस्टेशन 1 को रीमास्टर करके जो है वो लॉन्च किया। जैसे गेम्स रीमास्टर होती है ना, उसी तरह से पूरा कंसोल रीमास्टर हो गया था। अभी ये इंडिया में ऑफिशियली नहीं मिलता, बट ये इंपोर्टेड है, ये मैं पालिका बाजार से खरीद के लाया था, व्लॉग चेकआउट कर लेना, प्राइस वाइज सब बताया था उसमें। तो बेसिकली इसमें क्या है, पहले तो वो AV TV वाली केबल चलती थी ना, येलो रेड वाइट वाली, इसमें प्रॉपर भाई HDMI स्लॉट डाल दिया सोनी ने। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो 20 प्री लोडेड गेम्स मिल जाएगी आपको प्लेस्टेशन 1 की। पीछे की साइड यहाँ पे कुछ गेम्स छपी भी पड़ी है उनमें से, तो ये अच्छी चीज है यार, हमें इसमें डिस्क लगाने की अब जरूरत नहीं है। आप मस्त इंटरनेट से भी गेम्स को डाउनलोड करके पेन ड्राइव लगा के खेल सकते हो, या फिर जो 20 गेम इसके अंदर मिली है वो भी खेल सकते हो। तो इसको करते हैं यार जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बड़े 4K 65 इंच के टीवी में ये कैसा परफॉर्म करेगा। इग्नोर करना, गंदा हो रहा है। फ्रंट साइड में आप देख सकते हो 20 गेम्स मैंने बताई थी, बड़ा बड़ा प्लेस्टेशन 1 का अपना वो बना हुआ है पिक्चर, यहाँ पे PS लोगो पुराने वाला, कितना क्लासिक लगता था। सोनी की ब्रांडिंग है, प्लेस्टेशन लिखा हुआ है, नाम इसका है प्लेस्टेशन क्लासिक, मतलब PS1 नहीं बोलते इसे, प्लेस्टेशन क्लासिक बोलते हैं। शेप हालांकि पूरी PS1 वाली है, उस टाइम पे ये ढक्कन खुलता था, बट अभी ये देखते हैं खुलेगा या नहीं खुलेगा। बाकी ये पावर ऑन ऑफ का और ये डिस्क निकालने का, यहाँ पर एक रीसेट बटन भी दे रखा है। बैक साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 गेम मिलती है, तो उसी के थोड़े बहुत पोस्टर्स दे रखे हैं, मतलब थोड़े बहुत क्या सारे ही दे रखे हैं, 20 के 20 गेम के। कौन कौन सी गेम आपको मिलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा प्ले करके। बाकी थोड़ी बहुत गाइडलाइंस है, इधर फालतू का है, यहाँ पर आप देख सकते हो HDMI जैसे कि मैंने बताया था आप कनेक्ट कर सकते हो, इधर भी अटेंशन वटेंशन लिखा है, यहाँ प्लेस्टेशन लिखा है, यहाँ पे भी फालतू का चीज़ है। तो टाइम को ना बिना वेस्ट करे जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंगल सील है बस, ये खोलनी है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो यूज्ड नहीं है, जेन्युइन है, सील लगी पड़ी है। क्योंकि हालांकि चांदनी चौक जैसी मार्केट में तो आपको पता ही है सील भी नकली लगाई देते हैं भाई आजकल। टेंटन है, सील जो है खुल चुकी है। इसके अंदर एक और डब्बा निकला है व्हाइट कलर का, ये निकालता हूँ मैं। मतलब देख रहे हो PS5 की अनबॉक्सिंग करी थी, उसके अंदर भी डब्बे के अंदर डब्बा था, फिर उसके अंदर अपना प्लेस्टेशन था। तो सेम ऐसी व्हाइट कलर का ये बॉक्स निकला है जिसके आगे प्लेस्टेशन का लोगो है। और ये भाई एक आइकॉनिक कंसोल है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए इसको। मतलब प्लेस्टेशन 1 के टाइम से जो गेमिंग इंडस्ट्री में चेंजेस आए ना, बूम हुआ एकदम से, वो नेक्स्ट लेवल ही था। बॉक्स खोलते ही अंदर निकली है कुछ पुस्तकें जो हम फालतू है फेंक ही देंगे। बाकी यहाँ पर एक और वाइट बॉक्स निकला है जिसके अंदर ऊपर ऊपर ही हमारी प्लेस्टेशन 1 रखी हुई है। और ये भाई एक्चुअल में काफी ज्यादा छोटी है साइज में। मतलब मैं PS1 को वैसे भी ऑन करता हूँ जो ओरिजिनल वाला है, उसमें भी 2 वेरियंट आए थे, फैट एंड स्लिम। फैट वाला का ये डमी पीस है, एक तरह से डमी नहीं कहेंगे उसका, जैसा दिखने वाला है, बट एक्चुअल में जो फैट PS1 थी ना भाई वो लगभग इतनी बड़ी थी। और ये वाली उसके सामने देख लो कितनी सी है। मेरे पास स्लिम वाली है, वो छोटी है, बट स्लिम वाली भी ना इससे बड़ी है एक्चुअल वाली। तो ये तो कुछ सोनी ने नेक्स्ट लेवल की चीज़ ही निकाल दी है। इसको तो फिलहाल साइड में रखते हैं और नीचे देखते हैं भाई साथ में क्या क्या एक्सेसरीज है, कंट्रोलर वगैरह। अरे भाई खुल जा, ओ ओ मास्टर हेलो। तो अंदर सबसे पहले तो एक अपनी मिलेगी हमें USB केबल, ये है 2 इसके कंट्रोलर। आपको पता ही होगा PS1 के टाइम पे ये कंट्रोलर में जॉयस्टिक नहीं आती थी, दोनों सिंपल कंट्रोलर होते थे, बस L1 L2 की जगह 1 2 ऐसे लिखे होते थे नंबर। और एक है इसमें HDMI केबल। अबे इसमें अडेप्टर वगैरह तो निकला ही नहीं, कंसोल को चलाएंगे कैसे? मेरे को क्या लग रहा है ये जो शायद से USB केबल दे रखी है ना, इससे कंसोल चलेगा, मतलब इतनी सी पावर चाहिए इसको। फटाफट से इसकी पन्नी वन्नी उतारते हैं और देखते हैं। काफ़ी हल्का साइज है भाई, बहुत ही हल्का है मतलब। और ये चीज़ तो मेरे ख्याल नहीं खुलेगी है ना,
हाँ ये चीज नहीं खुलेगी भाई। बाकी आपको बटन दे रखे हैं पावर का, ऑन ऑफ ये तो चलता होगा, रीसेट का भी पक्का चलता होगा, बट ये जो ट्रे खोलने वाला था ना, ये वाला जहाँ पे डिस्क डलती थी, ये नहीं खुलेगा। डिस्क डलेगी भी क्या भाई, इतना सा तो इसका वो है साइज, मतलब डिस्क का आधा भी ना डले इसमें। बाकी बैक साइड में आपको HDMI कनेक्ट करने के लिए स्लॉट मिल जाएगा, और ये USB वाला है नॉर्मल, शायद से इसी में से पावर मिलेगी अपने कंसोल को। लेफ्ट में वेंट्स दे रखे हैं, पर ये भी नकली वेंट है मेरे ख्याल, एयर वेंटिलेशन के लिए तो क्या यूज आएंगे। नीचे की साइड तो ओरिजिनल वेंट दे रखे है, यहाँ पर अपना सीरियल नंबर दे रखा है। और फ्रंट साइड की बात करी जाए तो दो आपको स्लॉट और दे रखे हैं जहां पर आपके कंट्रोलर्स कनेक्ट होंगे। कंट्रोलर भी भाई साहब USB वाले है, और ऊपर जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट आता था ना ओरिजिनल प्लेस्टेशन 1 में, इसमें वो बस मतलब रिटर्न में तो दे रखा है, बट मेमोरी कार्ड लगता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई अब डिजिटली सब कुछ हो गया, तो गेम्स भी सेव करने के लिए मेमोरी कार्ड हमें एक्सटर्नल चाहिए नहीं होगा। इसके अलावा कंट्रोलर कुछ इस तरह से है, साइज तो ठीक है कंट्रोलर का, और जो मैं बात कर रहा था आगे यूएसबी वाला दे रखा है। पहले ये भी कनेक्ट करने का बड़ा सा आता था चौड़ी सी पिन वाला, अब तो नॉर्मल है, अपना USB लगाई इस तरह से और लग गई। दो बंदे भी आप खेल सकते हो, पार्थ को मेरे ख्याल पसंद आएगी ये। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से TV में इसको सेट करते हैं। पहले मैं ट्राई करूंगा अपने 4K 65 इंच वाले में, उसमें काम करगी तो ठीक है, वरना कोई छोटा TV देखेंगे। वैसे तो HDMI वाली है तो काम कर जानी चाहिए, बट इसके लिए पहले मुझे अडेप्टर लेना पड़ेगा कहीं से ढूंढ के, क्योंकि पावर तो देनी है ना भाई, बिना पावर की कैसे चलेगी। ये है हमारा मेन कंसोल, और जैसे कि मैंने कहा था इसको पावर देने के लिए ये पुरानी टाइप की जो USB चलती थी ना, वो इसमें ऐसे लग जाएगी यहाँ पर। और दूसरी साइड से हमें कोई अडेप्टर नहीं मिला, तो इसको हमें या तो खुद के अडेप्टर में लगाना पड़ेगा, या फिर मेरे TV के पीछे ना एक स्लॉट है USB, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शायद ही आपको दिख रहा हो फर्स्ट वाला, तो USB मैं तो इसी में डायरेक्ट लगा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी डन। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही मेरा TV ऑन होगा ना, मेरे PlayStation 1 को भी पावर मिल जाएगी उसी के साथ, जो कि ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा डिस्प्ले के लिए HDMI केबल दे रखी है, बट मेरी PS5 की ऑलरेडी HDMI लगी हुई है, तो मैं इसी को कनेक्ट कर देता हूँ वापस से, कौन नहीं लगाएगा, है ना। चलो जी, और ये है अपना USB वाला इसका कंट्रोलर, तो ये भी मैं सेट कर देता हूँ। अपना जो कंसोल है वो भाई सेटअप हो चुका है, वो भी MI के 65 इंच के 4K TV के साथ। अब ये देखना है कि ये इतना सा डिवाइस इतने बड़े TV में 4K डिस्प्ले दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ऑन करते हैं जल्दी से। एक तो भाई साहब रिमोट नहीं मिलते टाइम से, पता नहीं कहाँ पर है, ये रहा मिल गया। तो यार हमारा थोड़ा सा पोपट हो चुका है, जो मैंने डायरेक्ट USB लगाई थी ना TV में, वो तो काम कर ही नहीं, PlayStation ऑन ही नहीं हो रहा था, इसलिए अब इस तरह का मैंने एक ये चार्जर ले लिया, और इसमें ये USB लगा के अपना किसी प्लग में लगा देते हैं यहाँ पर, अब चल जाए भाई, बस वरना पोपट हो जाएगा डबल। तो 3, 2, 1 नहीं हो रहा भाई, हो गया। सच्ची बताऊँ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो पुराना सोनी PS वाला 1 वाला लोगो और वैसी टाइप की साउंड, देखते हैं आती है नहीं आती है। गेम ऑन कर दिया मैंने, आवाज़ कर लेते क्या पता साउंड आए। ओ भाई पुराने वाला लोगो बट हाई डेफिनेशन, या 4K में आप कह सकते हो, HDMI में कितना सही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेटअप आ गया है गेम का, फटाफट से कर लेते हैं भाई। हम करते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये समझा रहा है कि किस किस बटन से क्या क्या करना है हमें। ओके जी, ये थोड़ा सा आपको वार्निंग दी जाती है। ओहो गेम ऑन हो गई है अपनी, और ये सारी गेम्स आप देख सकते हो, एक एक करके बताता हूँ। टेकन 3 मेरी फेवरेट भाई PS1 की, इसको तो ज़रूर खेलेंगे। रेनबो सिक्स सीज, ट्विस्टेड मेटल, वाइल्ड आर्म्स, और बैटल अरीना, और कूल बॉर्डर 2, डिस्ट्रक्शन, फाइनल फैंटेसी भाई साहब, और ये सबसे पहली वाली GTA। अभी तो हम GTA 5 खेलते हैं ना इतनी तगड़ी, बट उस टाइम पे ये GTA चला करती थी। जिन्होंने PlayStation 1 पे गेमिंग करी है उनको पता होगा, मतलब इसमें ना हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसी बस गाड़ी इधर उधर चला लो, मार धाड़ भी नहीं थी, गोलियाँ वोलियाँ नहीं थी। ये है एक इंटेलिजेंट, जंपिंग फ्लैश, मेटल गियर, मिस्टर ड्रिलर, और ओड वर्ल्ड, रेमैन, रेजिडेंट इविल डायरेक्टर्स कट, क्या बात है पुरानी वाली रेजिडेंट इविल। हाय हाय, एक ये है, एक रेसिंग गेम भी है, और भी इसी तरह की गेम्स है जो मैंने आपको बताई थी, बट सबसे पहले हम टेकन 3 ट्राई करने वाले हैं फुल HD में, तो दबा दिया है। बताओ मतलब इतने बड़े TV में भी भाई गेम चल रही है। हाय यार, ये सोनी का लोगो बेस्ट था मेरे हिसाब से, मतलब जो गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाया था ना वो सोनी ही था पहले, उससे पहले निंटेंडो भी आता था, बट जो तगड़ी वाली सेल्स बढ़ी थी ना वो PS1 के लॉन्च के बाद ही बढ़ी थी। तो स्टार्ट होने वाली है, चलो। इतनी बड़ी TV में मैंने कभी PS1 नहीं खेली। नेमको प्रेजेंट्स, टेकन 3 आर्केड मोड खेलेंगे। मेरा तो फेवरेट भाई हो रैंग ही था, और काफ़ी लोगों का पोल भी होगा। आपका कौन सा फेवरेट करेक्टर था नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई साहब मैंने तो कितनी बार ये पार करी है सारी स्टेजें एंड तक। हाँ थोड़े अब पिक्सल फट रहे, देखो स्क्रीन भी जो है ना वो काफ़ी छोटी हो गई है। अबे हट, ओहो ओहो ओहो, अच्छा ले है बेचारा, एक लात मार पाया, अगले में तो परफेक्ट लूंगा देखना।
एक भी नहीं खाऊंगा, चल हट। देखा देखा देखा, परफेक्ट जाएगा ये तो। चलो कोई और गेम ट्राई करते हैं। जो भी आप करंट गेम खेल रहे हो उससे बाहर आने के लिए या फिर मेन्यू में आने के लिए आपको रीसेट बटन दबाना है, और आप देख सकते हो वापस से वही गेम्स का मेन्यू आ गया है। मैंने आपको ये भी बोला था ना कि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता, तो सेव गेम डिजिटली हो जाती है अंदर, तो वो काफी सही चीज है। अब एक गेम और ट्राई करते हैं, ज्यादा नहीं मैं आराम से खेलूंगा। आपको वही रिव्यू या गेम प्ले देखना हो ना तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। कौन सी खेले यार, रेजिडेंट इविल भी नहीं, मुस्तफ़ा इसमें नहीं है। अच्छा मुस्तफ़ा तो सेगा की गेम थी, PS1 की थोड़ी थी। चलो GTA ही खेल लेते हैं भाई। मतलब सबसे पहली GTA कब की आई है, रॉकस्टार गेम्स 1997, मतलब जब मैं पैदा हुआ था। सोचो आज से 24 साल पहले ये गेम लॉन्च हुई थी, तो प्ले कर लेते हैं हम भी, देखते हैं GTA 5 और इसमें कितना डिफरेंस है। ये लोगों तो भैया भाई साहब पिक्सल कितने फट रहे हैं, या तो मैं कुछ ज़्यादा पास से देख रहा हूँ इसलिए फट रहे हैं, बट इतने बड़े टीवी में यार ऑब्वियसली वादा फट नहीं है। चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं आवाज़ कम करूँ थोड़ी। यहाँ पर आ गया है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो न्यू गेम ऑप्शन कंट्रोल, तो हम न्यू गेम खेलेंगे। वैसे मैंने ये गेम एक बार PC में भी खेल के देखी थी। अब इसमें भी हमारे पास अलग अलग करेक्टर है, देखो ट्रेविस, बूबा, ट्रोए, किवलोए, ठीक है। तो जैसे हमारे माइकल फ्रैंकलिन और वो होते थे ना, उस तरह से मैं ट्रेविस ले लेता हूँ। ट्रेवर की कॉपी है ये ट्रेविस, या फिर ट्रेवर इसकी कॉपी है। मतलब आज PS5 देखो कितना फास्ट स्पीड में लोड करता है SSD, और ये उस जमाने का कंसोल। मतलब ये लॉन्च तो अभी करा है, बट गेम सारी PS1 के टाइम के। सोचो इस तरह से अपर एंगल आता था GTA का, देख रहे हो कितनी बेकार थी। अब मेरा बंदा देखो ये है, जरा सा मेरा बंदा है, और इसको ही मैं ना सिर्फ इधर उधर ही ले जा सकता हूँ। अब मैं ट्रायंगल दबाऊंगा ये गाड़ी में बैठ जाएगा। मतलब अजीब सी गेम थी ये बड़ी, पता नहीं लोग कैसे खेलना पसंद करते थे, मेरे को तो बड़ी अजीब लगती है। वो कैसे घूमने जा रहे पागलों की तरह। अब गाड़ी में बैठ गया, और गाड़ी भी आप ऊपर वाले एंगल से ही सीधा लेफ्ट राइट वैसे ऐसे चला सकते हो। देखो भाई साहब, ये तो उस वक्त वो आती थी ना कौन सी गाड़ियों वाली जिसमें ऐसी 8-bit वाली में, उस तरह की गेम लग रही है। मतलब रॉकस्टार ने ऐसी गेम लॉन्च करी थी, बट यार 1997 की बात है, उस टाइम पे तो खैर ये गेम्स भी बड़ी मानी जाती थी कि आप ऐसे मस्त गाड़ी में बैठ सकते हो, उसको आगे पीछे चला सकते हो, ठोकरे मार सकते हो लोगों को। वही गन वन इसमें कुछ नहीं थी, इसलिए तो ठीक है उस टाइम पे मज़े आते होंगे लोगों को, बट हम जैसों को तो अब क्या ही मज़े आएंगे जिनके मुंह में ऐसे मतलब GTA 5 लग चुकी है। वापस से मैं लोडिंग स्क्रीन पे जा रहा हूँ, और कोई गेम मेरे को लग नहीं रहा खेलने लायक अभी। मतलब इसमें ना काफ़ी सारे टाइटल्स है, ये सारे PlayStation 1 के टाइटल्स थे। ये आपके पास स्केटबोर्डिंग वाला भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ठीक चीज़ है यार। मतलब पर ओवर प्राइज है मेरे हिसाब से, 6,000 रुपये आप इसमें खर्चोगे, उससे अच्छा 6,000-7,000 में आपको PlayStation 3 मिल जाएगी सेकेंड हैंड। बट वही है कलेक्टेबल आइटम है, इसलिए मैंने खरीदा, रिव्यू बन गया, वीडियो बना दी, आपको दिखा दी। तो अगर आपको कलेक्ट करने का शौक है तो आप खरीद सकते हो, बाकी गेम्स खेलने लायक नहीं है। टेकन 3 के लिए बताओ कौन देगा 6,000 रुपये, उससे अच्छा फ़ोन में खेल लो फ्री में। ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और फिर से कह रहा हूँ, अगर ये फ्यूचर ऑफ गेमिंग Oculus Quest 2 की वीडियो आप चाहते हो अनबॉक्सिंग की एंड गेम प्ले की इसमें, तो फटाफट से 20,000 लाइक पूरे कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।